की एक ऐसी चाहत होती है कि हम शारीरिक रूप से फिट दिखे और सुंदर दिखे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ केयरलेस के कारण या फिर हमारे कुछ ऐसी चीजें यूज करने के कारण हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें बहुत शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। आज का सेशन है हमारा अंडर आर्म्स से रिलेटेड, यानी कि अंडर आर्म्स में डार्कनेस क्यों होता है, कालापन क्यों होता है, इससे संबंधित हम अपने सेशन में चर्चा करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मतलब ये डार्कनेस होती क्यों है। डार्कनेस होती है कि 25 से 30 तक आते आते हमारे जो अंडार्म्स होते हैं उसमें ब्लैकनेस आने लगता है। ये एक स्वाभाविक भी होता है और कुछ रीजंस भी होते हैं। अगर हम किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं या ध्यान रखते हैं तो वो जो स्वाभाविक होता है वो भी मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इसके कारण ही कि कई बार क्या होता है कि हम हेयर रिमूव करते हैं, हेयर रिमूव करते हैं तो किसी भी तरह की इस तरह के से केमिकल युक्त क्रीम यूज में लेते हैं, जिसके कारण ये केमिकल होता है वो स्किन को जलाता हो और कालापन लेके आता हो और जो अपने स्किन के अंदर जो रंग द्रव्य होता है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि उसकी मात्रा यानी उसके उसके रंग द्रव्य में जो होती है वो बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और इसके कारण ये पिगमेंटेशन टाइप से ये कालापन हो जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि हम हेयर रिमूव करने के लिए रेजर का भी उपयोग करते हैं तो उसको भी आपको नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो नॉर्मल जो वैक्स होती है उसको भी नॉर्मल तरीके से आपको कूल करके और उसका उपयोग करना है। बाकी ये रेजर वगैरह या कोई भी केमिकल युक्त पदार्थ का उपयोग नहीं करना है। उस अच्छे से साफ सफाई रखनी है। कुछ चीज़ें होती है कि पसीने के कारण पॉल्यूशन के कारण पसीना आकर के पॉल्यूशन रहता है जिसके कारण डार्कनेस आ जाता है। कुछ लोग हेयर रिमूव नहीं करते हैं जिसकी वजह से मतलब इसके अंदर पसीने की बदबू आती है, त्वचा के अंदर धीरे धीरे कालापन हो जाता है। तो कुछ हमारे प्राकृतिक उपाय हैं जो हम करेंगे। जो प्राकृतिक उपाय जो घरेलू उपाय है वो ये, सबसे पहले तो आपको पसीने की बदबू या इस तरीके से कालापन दूर करने के लिए आपको नींबू और एलोवेरा, एलोवेरा का ओरिजिनल गुद्दा होता है तो ओरिजिनल गुद्दे का उपयोग कर करके आप उसको नींबू में मिक्स करके वो 10 से 15 मिनट तक, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक आपको अंडार्म्स में लगा के रखना है। फिर उसके पश्चात आपको वॉश करना है गुनगुने पानी से। अगर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से वॉश करना है। वॉश करने के पश्चात आपको नारियल तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, किसी का तेल का अच्छे से सुखाना है। सुखाने के पश्चात किसी भी तेल का इन तीनों में से आपको अच्छे से मालिश करनी है। सबसे ज़्यादा बेस्ट बताया गया है नारियल का तेल। अगर अच्छा क्वालिटी वाला नारियल का तेल मिलता है तो उससे मालिश करें और रात भर उसको रहने दें। रहने देंगे तो फिर उसके बाद में उसका असर जाएगा और वो अंदर जाएगा जिसकी वजह से उसका जो उसकी जो बदबू है वो भी दूर होती है और उसका कालापन है वो ऑब्जर्व करता है तेल को तो कालापन भी दूर होता है। कई तरह के ये तो हेल्दी होता है, हेल्दी और बेसन होता है। इसका पेस्ट भी कई बार क्या होता है कि कालापन हो जाता है या डेड स्किन हो जाती है जो अपन रिमूव नहीं कर पाते हैं ऐसे, या होता भी नहीं है। तो आप बेसन, हल्दी और नींबू इनका प्रयोग कर करके आप उसको 10 से 15 मिनट रखें, फिर आपको सूखे आटे या आप सूखे बेसन के साथ में उसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ घरेलू अपने ये ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को देखभाल कर सकते हैं और हमें एक शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। क्योंकि खासकर महिलाओं में ये होता है कि हम शारीरिक रूप से फिट नहीं होते हैं या हमारा शरीर का अंग कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम जैसे मनचाहे कपड़े पहनना चाहें उसको पहनने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे हमारे स्लीवलेस पहनने की इच्छा होती है लेकिन हमारे अंडार्म्स गंदे हैं या फिर उसमें फैट है जिसकी वजह से बहुत ही भद्दालपन लगता है तो इसकी वजह से हम पहन नहीं पाते। तो शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, हर अंग का प्रत्येक अंग का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और जिस अंग में स्पेशल कोई समस्या हो तो उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है हमें। भले ही अपन अपने हर अंग का ध्यान रखें बाहरी तौर पर, लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं जो दिखाई नहीं देते हैं तो उसको हमें स्पेशल समय देना पड़ता है और स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरीके के सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।